टोंक मालपुरा के बाद अजमेर जिले के खेड़ा गांव में युवती के साथ हुए गैंगरेप की घटना को लेकर समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। ऐसे में अखिल भारतीय वीर गुर्जर समाज सुधार समिति ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। समाज के लोगों का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, इसी के साथ पीड़िता को जल्द ही न्याय हासिल हो। वहीं पीड़िता के लिए सरकारी नौकरी और मुआवजे की भी मांग यहाँ पर की गई। टोंक के मालपुरा कस्बे के वाछेड़ा गांव के अंदर जो गुर्जर समाज की युवती के साथ में जो सामूहिक गैंगरेप की घटना हुई है, उसको लेकर के पूरे अजमेर जिले के गुर्जर समाज में भी रोष है। हमारे गुर्जर समाज के जो सुधार समिति के अध्यक्ष हैं अजमेर जिले के, पूरे अखिल भारतीय जो वीर गुर्जर समाज है माननीय हरचंद जी, और हमारे समाज के जो गुर्जर महासभा के अध्यक्ष हैं नाथूलाल जी बाजार, रमेश जी दाभाई, वो सभी लोग हमारे युवा साथी भाई कपिल भड़ाना और इनके साथी, हम सब लोग कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन देने आए हैं कि जो पीड़िता है उसको न्याय दिया जाए, क्योंकि गुर्जर समाज में पूरा आक्रोश है। जो गुर्जर समाज की युवती के साथ में अन्याय हुआ है, जिस क्योंकि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, अपराधी चाहे किसी भी कौम का हो, लेकिन उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हम ये मांग करते हैं कि उनको फांसी की सज़ा दिलवाई जाए, और इसके अलावा जो पीड़िता है उसको सरकारी नौकरी दी